हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खाना बनाना विद अंकना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी तो बारिश का मौसम है, तो अभी हिलशा फिश का टाइम है, तो मैंने सोचा आज हिलशा फिश का कोई आइटम बनाती हूँ। तो मैं आज बनाऊँगी दही हिलश। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और मैं पहले भी दिखाऊंगी। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है आपको तो पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दही इलिश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है इलिश फिश। यहाँ पर मैंने 5 पीस इलिश का लिया है। उसके बाद मैंने लिया है दही। फिर मैंने लिया है पॉपी सीड 2 टेबल स्पून, फिर व्हाइट मस्टर्ड सीड लिया मैंने 2 टीस्पून एंड ब्लैक मस्टर्ड सीड लिया मैंने 1 टीस्पून, और एक मिर्ची लिया मैंने ग्रीन चिली। इसको मैंने थोड़ा पानी में भिगो के रखा है। इसके बाद मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। इसके बाद मैंने लिया है हल्दी पाउडर, फिर मैंने लिया है नमक, उसके बाद मैंने लिया है मिर्ची। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली लिया है 6-7। फिर मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, फॉर्चून कच्ची घनी लिया मैंने। सबसे पहले मैं फिश में थोड़ा नमक और हल्दी मिक्स करूंगी। इसको थोड़ी देर नमक और हल्दी लगा के रख देना है। इसको थोड़ी देर रख देना है। अभी मैं वो पॉपी सीड का एक पेस्ट बनाऊंगी। अगर आप मस्टर्ड सीड लेते हैं तो थोड़ा नमक देके उसको पीसिए, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा, वो बिटर नहीं हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी टाइम क्या होता है, कड़वा हो जाता है थोड़ा। देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। अभी मैं दही लूँगी, इसको थोड़ा फेंटना है अच्छे से। दही मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून लिया है। फिर मैं इसमें जो मेरा पेस्ट है वो पॉपी सीड और मस्टर्ड सीड का वो डाल दूंगी। डालूंगी थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर, फिर मैं इसमें डालूंगी कच्ची घनी में ऑलमोस्ट मैंने 3 टेबल स्पून तेल डाला है। फिर मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली, इसको थोड़ा चीर के भी आप दे सकते हैं। ग्रीन चिली को ऐसे बीच में से चीर के दे दीजिए। दही इलिश का मैरिनेशन ही मतलब इम्पोर्टेंट है। मैरिनेशन जितना अच्छा होगा बहुत टेस्ट होगा। उसके बाद प्रोसेस बहुत टाइम बहुत कम लगेगा। उसके बाद अभी मेरा जो फिश है वो मैं धीरे धीरे इसमें डालूंगी। जो मिक्सर है मैंने पूरा इसमें डाल दिया, ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। अच्छे से जितना अच्छा मैरिनेशन होगा उतना ही अच्छा ग्रेवी इसका प्रिपेयर होगा। तो अभी इसको रख देते हैं, ठीक है? थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं। अभी मैं ऊपर से थोड़ा ऑयल डालूंगी और फिर सिर्फ कवर करके रख देना है। 15 टू 20 मिनट्स इसको कवर करके रखना है। 15 मिनट हो गया है, अच्छे से मैरिनेट भी हो गया है। अभी मैं इसको पकाऊंगी गैस पर। अभी मैं ये जो हिलशा फिश का जो मैंने प्रिपेयर करके रखा था वो मैं पूरा इसमें डाल दूंगी। बहुत ही डिलीशियस होता है, राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। और पूरा जो प्रोसेस है वो धीमी आंच में करना है और कवर करके रखना है। धीरे धीरे कीजिए क्योंकि बहुत नरम है ना, और मैरिनेशन में भी था तो बहुत नरम हो गया है। तो हिलशा फिश को याद रखिए, अलग से फ्राई मत कीजिए, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं रहता है। याद रखिए धीमी आंच में कवर करके रख के पूरा दम में ये बने। उसको ज़्यादा ऐसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको पूरा दम में इसे बनाना है। 5 मिनट हो गया है, अब मैं धीरे से जो फिश है उसको पलट दूंगी।
केयरफुली करना है ये। अभी मैं 2 ग्रीन चिली इसमें डाल रही हूँ। ग्रीन चिली का जो एक खुशबू होता है वो बहुत अच्छा लगता है ये दही लेश के साथ। ऊपर से थोड़ा मैं कच्ची गनी ऑयल डालूंगी। अभी और 5 मिनट इसको पकने देना है। कवर करके रख दिया मैंने, 5 मिनट बाद ये हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 5 मिनट हो गया है। हाँ ये हो गया है, अभी मैं इसे साफ करूँगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में, इतना टेस्टी। अभी तो रेनी सीजन है, अभी हिलशा फिश बहुत है मार्केट में, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए ये डिश। अभी मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और सर्व करूँगी। टेस्टिंग टाइम दोस्तों। आप लोगों ने देखा ना, मैंने इसे राइस के साथ सर्व किया है, तो राइस और हिलशा फिश का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप लोग भी बनाइए, सबको खिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।